असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी को मियां मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, वे सांप्रदायिक होते हैं। बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मुसलमान समुदाय के लोग असम की संस्कृति और भाषा को खराब कर रहे हैं। वही मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि ये मेरा अनुभव है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसे मियां मुस्लिम लोगों का वोट नहीं चाहिए जो असम की संस्कृति और भाषा को खराब करते हैं। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाते हुए शर्मा ने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग असम को बर्बाद करने पे तुले हैं। शर्मा ने असम सरकार में वित्त मंत्री और इसके अलावा उनके पास स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार है। आपको बता दें, बातचीत के दौरान शर्मा ने आगे कहा कि बीजेपी उन लोगों को टिकट नहीं देगी जो खुद को मियां मुस्लिम बताते हैं। शर्मा ने कांग्रेस से भी आग्रह किया कि वो भी ऐसा ना करे। ऐसे नहीं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने पहली बार इस तरह का विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। बीजेपी ने घोषणा की कि वो मौजूदा सहयोगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के बजाय अपने नए सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट लिबरल के साथ गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। बता दें, बीजेपी 2015 में BFF के साथ मिलकर असम की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने नया गठबंधन का फैसला किया है। बीजेपी UPL के साथ मिलकर साल 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।